हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट पेड़े की रेसिपी, जो है रोस्टेड चना दाल के पेड़े। इसे बनाने में मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाने के लिए ना ही हम गैस जलाएँगे, ना ही इसमें हम दूध डालेंगे, ना ही मावा और ना ही कंडेंस मिल्क। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए इस रेसिपी का जो सबसे मेन चीज़ है वो है रोस्टेड चना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ये भुना चना लिया है। ये आपको मार्केट में एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो इसे एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे हम डोसे की चटनी बनाने में भी यूज़ करते हैं, तो ये वही वाला रोस्टेड चना है। अब इसे हम सबसे पहले पीस लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है, इसे हम डाल लेंगे इसमें और ढक्कन लगा कर इसका एकदम फाइन पाउडर हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, एकदम फाइन पाउडर इसका मैंने बना लिया है। तो इसे एकदम आपको बारीकी पीसना है इस तरीके से। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट, एक बोल में हम लेंगे 1/4 कप देसी घी। तो घी जो है आपको इस तरीके से हल्का सॉफ्ट लेना है, एकदम पिघला हुआ घी आपको नहीं लेना है, बस हल्का सॉफ्ट हो, लिक्विड सा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। तो नॉर्मल चीनी को ही बस मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मिलाएंगे। तो आप देखोगे मिलाते मिलाते इसका जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी सा हो जाएगा। तो इसे मैंने कुछ ही देर फेटा है, तो आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर एकदम लाइट क्रीमी और एकदम फ्लफी सा हो गया है, ये देखिए। अब बस इसके ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी और अपनी पिसी हुई चना दाल को हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है, पीसते टाइम अगर इसमें कोई भी पीस रह गया होगा तो वो निकल जाएगा, तो इसलिए एक बार इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से छान लिया है और इतना इसमें रह गया है तो इसे हम हटा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे अब हम हाथों से एकदम अच्छे से मिलाएंगे और अगर इसमें हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा घी हम और ऐड करेंगे। तो इस तरीके से कुछ देर तक इसे एकदम अच्छे से मसलते हुए हम मिलाएंगे, जिससे कि घी और जो चीनी है वो दाल में एकदम अच्छे से मिल जाए और हमारे जो पेड़े हैं वो सॉफ्ट बने। तो अभी मुझे ये बाइंडिंग में थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब अभी अच्छे से ये बाइंड नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। तो अगर आपको लगे कि अच्छे से ये बाइंड नहीं हो रहा है तभी आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करिएगा। अब इसे हम फिर से अच्छे से मसलेंगे और मसलते हुए इसका एकदम सॉफ्ट सा एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका डो बना लिया है। तो बस अब इससे हम अपने पेड़े बना लेंगे। तो जिस भी साइज़ का पेड़ा बनाना चाहते हो उसका थोड़ा सा पोर्शन हम इसमें से लेंगे और इसे दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और अच्छे से इसे हम रोल करेंगे और अंगूठे से बीच में इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। या फिर आप इस तरीके से इसके ऊपर कोई सी डिज़ाइन भी बना सकते हो, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना दूँगी। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो जैसा भी आपको पसंद है उस तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो इसे एक प्लेट में हम रख देंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन कर रहा है आप इसे फटाक से बना सकते हो, बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी पेड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है, तो इसे भी मैं प्लेट में रख दूँगी और इसी तरीके से मैं अपने सारे पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने सारे पेड़े बना लिए और इतने डो से मैंने यहाँ पर 11 पेड़े बनाए थे। तो इसे एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आप देख रहे ना कितने ज़्यादा सुंदर और कितने यमी लग रही हैं। ऊपर से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा पिस्ता लगा रही हूँ, जिसे दिखने में थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो अभी एक पेड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।